हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? तो आज है संडे और आज मैं बहुत आराम से उठी, तो यहाँ जगह भी उठ गई है। तो ऐसी तबीयत खराब थी। अब सही है? नाश्ता क्या करोगे? नाश्ते में क्या खाओगे? नाश्ते में क्या खाओगे सोचना, बताना। ठीक है, ये नाश्ता तो ये लोग डिसाइड करते हैं क्या खाएंगे। तो गाइस, कल मेरे को दो वॉमिटिंग हुई थी और सही हो गई है। अब ये मैंने आपको जैसे कल ही बताया था कि प्रॉब्लम ज्यादा रहती है जोया को, लेकिन अब जोया मतलब काफी सही रहने लगी है। तो यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने की। बच्चों की यूनिफॉर्म भी है, कल जो उतारी थी तो आज ही उसको धोना है, और प्रेस भी करना पड़ेगी। धूप निकली हुई है और बादल भी हो रहे थे, तो मैं अभी क्या करूंगी, अभी मैं मिर्च सूखने को रख दूंगी, क्योंकि मिर्च मम्मी क्या से थोड़ी सी मंगा ली थी तो उसमें से थोड़ी सी बच गई है, और फिर यही घर वाली इस्तेमाल करूंगी जैसे कि मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो बस धूप मुझे लगता तो नहीं है कि आज दोपहर तक निकली रहेगी, क्योंकि बीच बीच में बादल हो जा रहे हैं, लेकिन गर्मी बहुत है। बारिश जैसी बंद हुई ना तो वैसी गर्मी होने लगी, इतनी तेज गर्मी हो रही है। और पता नहीं क्या हो गया, कूलर में पानी वाला जो है वो खुल नहीं रहा है, पानी की मोटर वगैरह कुछ गड़बड़ हो गई। जोया पापा उसको सही करते हैं, तो वो करेंगे जोया पापा जब उठ जाएंगे, क्योंकि गर्म बहुत हो रहा है, या तो बारिश हो जाएगी तो नॉर्मल हो जाएगा। बारिश इतनी हुई है कि काफी पेड़ खराब हो गए हैं मेरे, बहुत ज्यादा पानी गिर गिर के। इतने अच्छे अच्छे पेड़ थे जो खराब हो गए हैं, जैसे कि ये वाला भी एक खराब हो गया, जो पापा कह रहे थे उसको सही करेंगे, इसमें बहुत अच्छे फूल निकलते हैं। और ये तो बिल्कुल ही खराब हो गया, इसकी इतनी अच्छी इसमें पत्तियां निकलती थी, बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल ही खराब हो गया है। और ये देखिए, सारे पेड़ मेरे खराब हो गए हैं बारिश का पानी गिर गिर के। तो हेडर सो रहे हैं और जो याद हो रही है वो, और मैंने तो नाश्ता कर लिया है, मेनू भी सोच लिया मैंने। आज मैं बनाने जा रही हूँ तायरी टोस्ट वाली, मतलब पके हुए की नहीं, जैसे मैं बनाती हूँ येलो कलर की। तो गाइस, जो की तैयारी में स्माइल आ गई तायरी सुन के, उनको सिर्फ तायरी सुनाई दिया, बाकी कुछ नहीं सुनाई दिया, क्योंकि जुकाम की वजह से उनका कान बंद है, तो उनको बहुत पास से बोलती तो उनको समझ में आता। जुकाम इसको इतना ज्यादा हो गया था कि इनका एक कान ही बंद हो गया, मेरे भी असर हो रहा था लेकिन मैं बच गई। तो चिड़िया बोल रही है बहुत प्यारी सी, आपको नहीं दिखेगी, गौरैया है, बच्चा है, अपनी माँ को ढूंढ रहा होगा। तो यहाँ पेड़ पौधे हैं तो एक चीज बहुत अच्छी है कि पंछी खूब आते हैं यहाँ पर, और सिक्योर रहते हैं पंछी। पंछियों को मालूम है कि हमें यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। जोया हैदर को भी वो चीज सिखा के रखी है, तो जोया हैदर भी परेशान नहीं करते हैं पंछी को। तो चिड़िया आई है, ये गौरैया आज खेल रही है यहाँ पर। तो आज स्कूल में छुट्टी है, तो शायद वो गौरैया की भी छुट्टी होगी, इसलिए आराम से खेल रही है। आज ये लोग स्कूल नहीं गई होंगी। तो जोया मॉर्निंग टाइम शुरू हो गया है जोया का, हम लोग बहुत लेट उठे हैं और बहुत ज्यादा आराम मिल गया। अच्छी बात यह है कि जोया के पापा आज सो रहे हैं, जो सुबह नहीं सोए हैं वो, और मैं यही चाह रही थी कि उनकी नींद पूरी हो जाए, क्योंकि कल जो उनकी हालत हो रही थी मुझसे देखी नहीं जा रही थी, बहुत ज्यादा उनका चेहरा उतर रहा था, बिल्कुल नहीं सोए थे। उसके बाद भी पता नहीं काफी रात में सोए होंगे, लेकिन सुबह जो मुझे सोते जागते हुए मिलते हैं वो नहीं मिले, सबसे अच्छी बात यह है। अब जितना भी सोएंगे तो उनकी नींद पूरी हो जाएगी। तो गाइज, अब मैं जा रही हूँ, अभी देखती हूँ मैं, अभी मैं जल्दी से लाल मिर्च थोड़ी सी सूखने के लिए रखूंगी, ताकि मैं पीस के रख दू। उसके बाद फिर मैं कपड़े भी मैंने धोना है, तो वॉशिंग मशीन लगा दू मैं। तो कपड़े धुल जाएंगे, और ऐसे धूप रही तो इनकी यूनिफॉर्म को सूख जाएगी, और प्रेस कर दूंगी यूनिफॉर्म पर।
हैदर भी उठने वाला होगा, जोया उड़ गई तो हैदर भी बस जल्दी उठ जाते हैं। जब जोया उड़ जाती है तो यहाँ पर मैंने कपड़े लगा दिए हैं, अब मैं जा रही हूँ जोया को नाश्ता देखी क्या देना है, उसके बाद धूप में लाल मिर्च रखूंगी। वो आज मैंने डायरी बना ली है और बच्चे बहुत खुश हैं, बहुत लंबे टाइम बाद डायरी बनाई है और अब लगाइए बच्चों को भूख, बच्चे खाना खाएंगे। आज संडे है और संडे कर रहे हैं हम लोग एंजॉय, क्योंकि जोया पापा की हो गई है पूरी नींद, जोया पापा बिल्कुल फिट हो गए हैं, तो सब जब सही रहते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये मैंने डायरी निकाली है अपने लिए, बच्चे को दे दी है, बच्चे खा रहे हैं, वहां जोया खा रही है, हैदर भी खा रहा है। मैं फुल इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि जोया के पापा लेटे हैं और फिर उनका फेस आ जाएगा और वो थोड़ा सा दूरी बनाते हैं कैमरे से। तो ये देखिए ये बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, मौसम बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है और सिम्बा के साथ खेल रहे हैं। जोया पापा भी गार्डनिंग कर रहे थे, जो सुबह आपको दिखाया था कि पौधे खराब हो रहे हैं तो वो पौधे सही कर रहे थे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल तो ये सिम्बा के साथ खेल रहे हैं, सिम्बा को कोशिश कर रहे हैं अंदर लाने की, लेकिन सिम्बा का देखिए आज मूड नहीं है क्योंकि सब बाहर बैठे हैं ना, इसलिए अभी सब अंदर होते कि सिम्बा अंदर ही अंदर आते। तो हैदर को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, हैदर खेल रहे हैं सिम्बा के साथ और सिम्बा को कोशिश कर रहे हैं, सिम्बा नहीं, सिम्बा अपने में ही मस्त है और हैदर की जान है सिम्बा। शायद आपने देखा बच्चे बाहर खेल रहे हैं सिम्बा के साथ, वो मस्ती कर रहे हैं और मौसम बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा सा हो रहा है। और ये क्या हो गया, बंदर है क्या? मेरे पास नहीं आता है ये, कौन चिल्ला रहा सिम्बा, कौन सिम्बा चिल्ला रहा, सिम्बा चिल्ला रहा था। तो इनके सिम्बो को कोई चिल्ला रहा था तो अच्छा चमन भाई बुला रही है, अच्छा उनको पता है सिम्बा है तो चमन भाभी सिम्बा को बुला रही थी ये ले आए लेके भगा, कह रहे कोई सिम्बा चिल्ला रहा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं दूंगा सिम्बा को। हाँ तो गाइस आपने देखा ये सिम्बा को कितना प्यार करते हैं कि किसी ने बुलाया सिम्बा सिम्बा तो ये फौरन अंदर लिया कि मैं अपने सिम्बा को किसी को नहीं दूंगा। तो आपका सिम्बा कोई नहीं मांग रहा है, सब आपके सिम्बा को प्यार कर रहे हैं। तो मौसम बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है और आज हम लोग मना रहे हैं संडे। तो ये आपने मैंने सुबह दिखाया था ना कि जोया पापा ये पेड़ खराब कर हो गए हैं, इनको सही करेंगे। तो देखिए ये सही कर दिए हैं जोया पापा ने पेड़, ये देखिए ये जो एक था एक को दो कर दिए हैं और बाकी देखिए सब एक से लगा दिए, इनमें पानी नहीं चाहिए ज्यादा तो ये एक तरफ कर दिए क्योंकि इनमें पानी नहीं चाहिए होगा, तो इस वजह से जोया के पापा ने ये सब सेट कर दिए। सिम्बा चले गए ऊपर और हैदर की जान अटकी है। और इसके अलावा ये अंजीर का पेड़ देखिए ये लगा दिया है, अब ये कहीं पर जाकर लगा देंगे, इसलिए इसकी ये बर्बाद नहीं हुआ है, ये इसकी लाइफ है अभी भी। और जो पेड़ जिनको पानी की जरूरत है उनको नहीं हटाए हैं, वो पेड़ वहीं रख दिए हैं, जैसे कि एक वहां पर चेंज हो गई है जगह, पहले वहां पर पत्थर चट्टा था तो वहां पर दूसरा लगा दिया है और वो वाला पेड़ कहाँ गया, मेरा फेवरेट ये है, मेरा फेवरेट पेड़, और इसको भी यहाँ पर लगा दिया गया है, ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है ये वाला पेड़, सब कर दिए। और ये पत्थर चट्टा जो बहुत सारे निकले थे तो उसमें एक ये बीच वाली बहन के लिए और इसके अलावा एक हैदराबादी वाली बहन, उन लोगों के लिए भी सेट कर दिया है। ये गिर रहा है यहाँ पर तो ये सबसे मुझे सबसे वाला अच्छा लगता है ये वाला पेड़। तो गाइस मौसम बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है और इसकी भी कल छटाई कर दी थी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पत्ती पत्ती थी। ये आज जो है पापा ने छुट्टी में गार्डनिंग की है और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बाहर साफ साफ और पेड़ सब एक जैसे लग गए, सबको सेट कर दिया, जो पेड़ खराब हो रहे थे वो सही कर दिए हैं। और कल मंडे है, बच्चों की तबीयत की वजह से बच्चों का स्कूल बहुत मिस हो जाता है, कल बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, रीजन ये है। लेकिन मुझे ये नहीं है कि मुझे रेस्ट मिल जाएगा और मैं जल्दी नहीं उठूंगी,
मैं उठूंगी क्योंकि कल जोया की आंख में इन्फेक्शन जो बार बार हो रहा था, तो कल जोया की आंख दिखाने जोया पापा ले जाएंगे। वैसे तो मैं मेडिकल कॉलेज में दिखा लाई थी, लेकिन आंख का मामला है और वो बार बार उसके रिपीट हो रहा है वो इन्फेक्शन, तो इस वजह से वो यहाँ के एक बहुत ही पुराने बढ़िया डॉक्टर हैं आरपी सिंह, तो आरपी सिंह को दिखाने जाएंगे। तो गाइज मैं कुछ सोच रही थी, मुझे कुछ करना था तो मैं भूल गई थी। गाइज वो आरपी सिंह को दिखाने जाएंगे, तो कल मुझे जल्दी उठना पड़ेगा और कल मैं उठूंगी और जैसे बच्चे स्कूल जाते वैसे ही उठूंगी, क्योंकि कल जो पापा भी जल्दी उठेंगे, बच्चे स्कूल जाएंंगे। हैदर स्कूल जाने के लिए जिद करेगा, लेकिन हैदर को अकेले नहीं भेजेंगे। जोया थोड़ा सा देख रेख करती है, अभी हैदर बड़े हो गए, लेकिन मतलब इतने बड़े नहीं हुए, बड़े हैं लेकिन इतनी अकल नहीं है, जोया और काफी उनको देखती है। तो गाइज बच्चे खूब मस्ती कर रहे हैं पापा के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है, क्योंकि जोया पापा की नींद पूरी नहीं होती तो उनको इरिटेशन होती है, फिर वो एक नींद पूरी इरिटेशन। दूसरी बात ये है कि तो ना भी बीमार रहता है तो वो हैप्पी नहीं रह पाते हम लोग की वजह से, तो आज वो हैप्पी है। तो ये आ गई है मोना, मोना अब नहीं पड़ेगा, ये आ गई है हमारी मोना। अब मोना मोना पता है कल बुलावा देने आई होगी ना, जी तो कल क्या कहते हैं 40 महीने, कल हमारी दोस्त भाभी का 40वां है, और मतलब अभी है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि गाइज मोना आई थी बुलावा देने, इसलिए मैंने वहीं पर बात रोक दी थी आपसे, और बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। वही हम लोग बात कर रहे थे कि तबस्सुम भाभी और मोना की मम्मी का नाम है चमन भाभी, जो मैंने आपको दिखाया भी था, तो ये लोग साथ में जोड़ा रहता था, कहीं भी जाती थी साथ में जाते थे ये लोग, और अब चमन भाभी अकेली हो गई हैं, और तबस्सुम भाभी कैसे बात करते थे इतना टाइम, मतलब इतनी कम उम्र में चली गई, तो उन्हीं की सब बातें कर रहे थे। और बहुत ज्यादा मतलब मुझे तो आप यकीन नहीं मानोगे, बस जब वहां कोना देखती हूँ तो मुझे बहुत याद आती है उस भाभी की, मन ही मन में बहुत याद करती हूँ, तो यही सोचती हूँ कि ये नहीं सोचा था कि इतना कम साथ होगा, मेरी शादी को करीब 14 साल हो गए हैं, और 14 साल से पहले से ही हम लोग एक दूसरे जानते थे, जब उनकी शादी हुई थी और जब वो दुल्हन बन के आई थी, तो मैंने तो उनको तब से ही देखा है, क्योंकि हमारे मोहल्ले की ही थी, और हम लोग उनकी शादी में गए, मतलब अटेंड की थी, वलीमा अटेंड किया था, तो बहुत ज्यादा उनकी याद आती है। और मैं कोई दिन ऐसा नहीं जाता है कि मैं ऐसे ऊपर जन देखूं और मुझे तो अभी याद ना आए, मुझे बहुत उनकी बहुत ज्यादा याद आती है, और बहुत तकलीफ होती है कि अभी उनको नहीं जाना चाहिए। तो सबसे ज्यादा तकलीफ होती है उनकी बेटी की, कि जब सामान देखती होंगी क्या होता होगा, क्योंकि माँ बेटी का रिश्ता तो आप सब जानते ही हैं। जब मेरे पापा नहीं है और मैं अपने पापा के बारे में, पापा की बहुत सारी चीजें मेरे पास रखी हुई हैं, और जब मैं देखती हूँ उनकी डायरी, देखती हूँ उनके फोटोज पुराने देखती हूँ, तो मैं ही जानती हूँ क्या फील होता है। तो वही वह कि फिर माँ बेटी उससे भी ज्यादा क्लोज होती हैं, तो इकरा का क्या हाल होता होगा, फील करती हूँ बस ये कि अल्लाह पाक इकरा को सब्र दे और उसका इतना अच्छा नसीब करे, इतना अच्छा उसे घर मिले, इतनी आगे बढ़े वो कि इस गम से उबर पाए वो। तो गाइस देखूँ हैदर क्या कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ अब, देखना 6 बज रहा है, शाम का देखूँ जो पापा क्या बना। हम लोग तो तायरी खाएंगे, जो पापा के लिए एक टाइम की तायरी बनाई थी, रिपीट नहीं कर पाएंगे वो, क्या करना है फिर देखती हूँ। और क्या करना है, सिम्बा खेल रहे हैं बॉल से, तो देखें कैसे खेल रहे हैं, देखिए पसीने में चूर हो गए हैं, थक के दोनों इतना खेले कूद रहे हैं कि पसीना आ गया है, और इसलिए मूड होना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा थक गए हैं। हैदर तो बिल्कुल कपड़े पसीने में गीले हो गए हैं, तभी कपड़े भी चेंज करेगा, जैसे सुबह कर चुका था। ये जोया गई थी लेने के लिए पॉन्ड्स पाउडर, जो छोटा सा आता है ना मिनी वाला, 10 रुपए वाला, वो तो हैदर जा रहा था अपने सिम्बा को लेके, और ये जल्दी से भाग गई, तो मैं यही कह रही थी कि ले जाती, सिम्बा भी घूम आता अंदर रहता है, तो जोया बोली कि वो निकालता फिर टाइम लगता है, इससे अच्छा तो मैं आ गई हूँ, पास बोल दिया है और वो लेते आएंगे। तो ये मुझे जोया ने बताया, ये है देखिए, ये मेरे मामा के बेटे हैं, उनके बेटे हैं ये,
मेरे भतीजी, और ये मुझे देखिए, देखिए कैसे दौड़ के भाग गए हैं, ये देखिए ये निकल गए हैं, और कहाँ निकले हैं ये समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मैंने बता दिया है राजा को। तो गाइस अब मैं इन लोगों के लिए तायरी गरम कर रही हूँ, और मैं भी तायरी ही खाऊंगी। आज मुझे बहुत ज्यादा आलस लग रहा था, आज फिर से मुझे थकान सी हुई। 2-3 दिन से मैं सही थी, लेकिन आज मुझे फिर से बहुत ज्यादा थकान हो रही। तो मैं थोड़ा सा, मैं हल्का सा, बिल्कुल नाम मात्र थोड़ा सा पानी का मैंने मतलब छींटा मारा है पानी का, वो इसलिए ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए, ताजी सी लगने लगे। तो मैं और बच्चे खाएंगे, जोया पापा को आपको जैसा बताया था वो नहीं खाएंगे। खाने को क्या, मैं कह दूं खा लो तो वो खा लेंगे, लेकिन नहीं, मैं एक टाइम ही चावल देती हूँ, 2 टाइम नहीं देती हूँ। हाँ बिरयानी जो बनती है तो जरूर 2 टाइम दे देती हूँ, वैसे एक टाइम ही उनको चावल देती हूँ। तो आटा नहीं था, जो है पापा आटा ले आए, आटा भी टाइम से लिया, और मैंने उनको आटा याद भी नहीं दिलाया था। मैं सोच रही थी कि इतना अच्छा रखा था कि कल मंगाती तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब मैंने याद नहीं दिलाया, अपने आप ले आया, तो मैंने कहा अच्छा है ले आए। तो गाइस जो है पापा आ गए हैं, और अब वो आ गए हैं, तो मैं पहले देखती हूँ क्या क्या सामान लेकर आया, उसके बाद फिर आपसे बात करती हूँ। ऐसा जो है पापा जल्दी आ जाते हैं, नहीं तो अभी 1 घंटा पहले आ जाते हैं तो थकान की वजह से आ जाते होंगे, बैठा नहीं जा रहा होगा, क्योंकि तो आज ही तो रिफ्रेश हुए हैं, आपको जैसे बताया कि पूरी नींद हुई है, तो थकान हो रही होगी इस वजह से आ गए हैं। तो मैं अब रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ जो है पापा के लिए। तायरी यहाँ गर्म हो रही है ना, ये लोग तायरी खा लेंगे, और यहाँ पर मैं जल्दी से जिंदगी 2-3 रोटी बनना है वो बनाऊंगी, उसके बाद जल्दी से अंडा फ्राई कर दूंगी जो है पापा के लिए। तो गाइज वही शाम का काम, और थकान इतनी हो रही थी, इतनी वीकनेस हो रही थी, अजीब सी तबीयत हो रही थी मेरी, लेकिन जब जो है पापा आए तो सब भूल गई। बस ये दिमाग में आया कि बस जल्दी से, अब आ गए हैं जल्दी तो खाना भी जल्दी से दे दिया जाए, नहीं तो अभी आधा घंटा बाद जैसे टाइम पे अपने आते तो खाना ना सब रेडी होता, और शायद ये फुर्तीलापन एकदम आ गया ना, वो भी खत्म नहीं होता। मैं धीरे धीरे करती, लेकिन अभी मैंने बिस्तर विस्तर सब लगा दिया, आराम से वो लेटे हैं, और खाने की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मुझे अब उलझन हो गई है कि अब मुझे लग रहा है कि बस टाइम से मैं उनको खाना दे दूं, और जब जल्दी दे दूंगी तो जल्दी निपट भी जाऊंगी, और जो आलस आ रहा था अगर नहीं होते फिर लेट जाती हूँ, अजीब सी तबीयत हो रही थी मेरी, और ये तबीयत मुझे बहुत बुरी लगती है, खड़े नहीं हो पाते हैं, फिर ले जाओ थोड़ा आराम मिलता है फिर खड़े हो। आज नहीं मन हो रहा था, आज मन हो रहा था कि बस लेट जाओ और कुछ मत करो, लेकिन मैं सोचती यही हूँ कि आज बर्तन नहीं धोऊंगी, आज फिर वही है कि बोतल पीने का पानी भरती हूँ, उसके बाद फिर लगता है कि बर्तन भी धो लो जब इतना कर लिया है, तो मुझे सुकून ही रहता है। तो ये तबीयत मुझे बहुत बुरी लगती, सुबह से सब सही था, नॉर्मल थे, खूब सबने मस्ती की, एंजॉय किया, और अभी अभी मुझे शाम से एकदम अजीब से थकान सी होने लगी है। ये देखिए शहतूत है, ये शाजिकली 4 शहतूत निकाल के रखे मैंने, और उस तक पहुंचा भी नहीं पा रही हूँ मैं। आपसे कुछ दिन बता रही थी कोई फल उसको नहीं दे पाई, अभी और 2-3 होंगे तो वो भी निकालूंगी और दूंगी, उस तक पहुंचा ही नहीं पा रही हूँ। और एक तो उसकी तबीयत सही नहीं है, ऊपर से मैं भी टाइम ही नहीं मिलता कि मैं रोज जाऊँ, रोज निकल ही नहीं पाती हूँ कि मैं रोज उसके पास जाऊं और मिलाऊं। तो जिस दिन जल्दी काम होगा उस दिन जाऊंगी, अब कल भी मुझे जल्दी काम करना होगा, कल तबस्सुम मोहब्बी का 40वां है और मुझे जौहर में जाना होगा, तो कोशिश करूंगी कि जल्दी से काम कर लूं। और कल तो वैसे भी जल्दी उठना है, डॉक्टर का नंबर लगाना है आँख वाले डॉक्टर को, और जो है जाएगी जो है पापा भी टाइम से उठ जाएंगे, तो टाइम से खाना पीना कमरा साफ सब हो जाएगा कल जल्दी। यहाँ पर मैं बच्चों को खाना दे आई हूँ, रोटी बन गई है, अंडा फ्राई हो रहा है, अंडा फ्राई हो जाएगा तो जो है पापा को भी खाना दे दूंगी, तो जितना आलस लग रहा था वो सब खत्म हो गया, और अच्छा है जो है पापा आ गए, और उनको देख के मैं लग गई काम में, और टाइम पे खाना बन गया, नहीं तो और मैं फिर से और लेट जाती।
मुझे लग रही बहुत ज्यादा गर्मी और जोया पापा को लग रहा ठंडा, तो उनकी तबीयत तो समझ में नहीं आ रही है। अभी पूछूंगी, अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। तो गाइस, क्या आप जानते हैं कि मेरे घर में सर्दी देकर बुखार किसको आया? तो गैस कीजिए, किसको आया सर्दी देकर बुखार? किसको आया? क्यों हैदर? किसको आया? हैदर बताएगा कि सर्दी देकर बुखार मेरे घर में किसको आया? हैदर बताओ, किसको बुखार आया? अभी सर्दी लग रही है, बुखार आया। पापा तो हैदर बताएगा किसको आया? पापा पापा को। तो हैदर के पापा को आया सर्दी देकर बुखार। और अभी मुझे मालूम नहीं था, मुझे तो बहुत तेज गर्मी लग रही थी और मैंने सारे कूलर पंखे सब खोल दिए। सुबह पापा का पंखा बंद था तो मैं समझी कि बंद कर दिया किसी ने, तो मैंने खोल दिया, मुझे मालूम नहीं था। तो अभी मैंने देखा कि सुबह पापा का पंखा फिर बंद है, और फिर मैंने पूछा, मुझे अंदाज लग गया था कि सर्दी लग रही है। मैंने पूछा सर्दी लग रही है, तो पता चला कि जोया के पापा को सर्दी देकर बुखार आ गया है। लेकिन नॉर्मल है, हरारत टाइप में होगा, वैसा नहीं है कि तेज बुखार है। लेकिन जोया के पापा के जो बच्चे हैं, तो मेरे भी वो, लेकिन जोया के पापा ने जो बच्चे को ट्रेनिंग दी है ना, कि लोग इतना बीमार रहते हैं, कहाँ कपड़ा रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है गीला कपड़ा, और किस टाइम क्या करना है, तो बच्चे शुरू हो गए। अभी ये आ गए हैं, इधर इधर ड्रॉइंग करने लगे। नहीं तो दोनों बच्चे ट्रीटमेंट भी शुरू हो गए थे। पापा को अब सर्दी देकर बुखार आ रहा है, तो पापा के कपड़ा रखना पड़ेगा। तो ये देखिए, एक डॉक्टर ही आ गए। ये अभी पापा का ट्रीटमेंट करेंगे। पापा की क्या कंडीशन है बताएंगे आप? लगे सर्दी अभी भी लग रही है, फिर और क्या करना पड़ेगा? लगाना ही पड़ेगा कि लगाना ही पड़ेगा। नहीं? या ये पापा ने इनको आधे डॉक्टर बना दिया है, ये हमारी औलाद है जो आधी डॉक्टर बन गई। सुधा पापा से बहुत कुछ सीख लिया, तो मैं अभी यही सुधा पापा से कह रही थी। मैंने कहा कि अब ये बच्चे आपका ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि ये बहुत कुछ सीखे हुए हैं आपसे। तो अब तो उनकी भी हंसी निकल गई। तो गाइस, परेशानी की बात नहीं है, अभी हल्का फुल्का है, मेडिसिन रखी है, मेडिसिन खा लेंगे और सही हो जाएंगे। लेकिन ये है कि जो छोटे छोटे डॉक्टर उन्होंने बना दिए ना, आधे आधे डॉक्टर बना दिए हैं, तो वो उनका ट्रीटमेंट कर देंगे। और डॉक्टर इनके ब्लड में है। अब आप कहेंगे कैसे, क्योंकि इनके जो जोया के पापा थे वो डॉक्टर थे। हाँ थे, होम्योपैथी डॉक्टर, लेकिन बहुत बेहतरीन अच्छे डॉक्टर थे अपने टाइम पे। वो तो डॉक्टर इन लोगों के रग रग में है। तो वो जोया पापा इन लोग का ट्रीटमेंट करते रहते हैं। बुखार आ रहा, कहीं कुछ आ रहा, ये करा वो करा, मतलब करते रहते हैं। अब इन इतना सीख गए हैं, इतना सीख गए हैं कि अब इन लोग मालूम है, अब ये हो रहा है तो अब ये करना पड़ेगा, अब ये हो रहा है अब ये करना पड़ेगा। तो जैसे ही इन लोगों को पता चला पापा को सर्दी देकर बुखार आया, तो इनका ट्रीटमेंट, बस उनके शब्द बाहर निकलने लगे थे कि अब पापा का ये करना पड़ेगा, अब वो करना पड़ेगा, तो उनकी भी स्माइल आ गई। तो ये छोटे छोटे से जो डॉक्टर हैं इनके, जो पापा के, तो वो पापा का ख्याल रखेंगे और देखेंगे कि कैसे सही करना है। उसे कोई दिक्कत की बात नहीं, गर्मी हो रही है, उनको सर्दी लग रही है, गर्मी में यहाँ हूँ और कूलर नहीं चल रहा, कूलर की हवा सीधे यहाँ से गुजरती है, तो गर्मी हो रही है। सर तो मेरा भी भारी हो रहा, तो मुझे लग रहा था गर्मा गर्म चाय पी लूँ और मुझे आराम मिल जाए। क्या देख रहा है बाबू, क्या देख रहा है? तो आराम मिल रहा है जो, यार सही है, क्या चाहिए, क्या ढूंढ रहा है? क्या ढूंढ रहा है बाबू? तो कल ही जाएंगी, तो कहाँ जाएंगी आप खुद ही बता दो, जो तो मैं चाय पी। क्या दिखाने के लिए? क्या मतलब, क्या चीज, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिखाने, कौन सी प्रॉब्लम? कैसा इन्फेक्शन हो जाता है? और जोया कितना डर जाती है? जल्दी जोया बहुत डरपोक हो गया कि सुबह कान में इसकी आवाज आई, इसको छींक आई, इसने नाक छीन, और मामा मामा मेरे कान में कुछ हो रहा है, हो रहा है, एकदम रोने लगी, घबराने लगी। मैंने इसको थोड़ा सा नॉर्मल हो, इसको
मैंने कहा बताओ कैसी प्रॉब्लम है, तो ये थोड़ी सी नॉर्मल हो गई। फिर बाद में पता नहीं मुझे लग रहा मेरा कान का पर्दा फट गया इतना डरे। ऐसा कुछ नहीं होता है, पर्दा वर्दा पॉजिटिव सोचा जाता है। मैं तो बहुत पॉजिटिव सोचती हूँ, मुझे तो सांस की प्रॉब्लम है, उसके बाद भी मैं इतना पॉजिटिव सोचती हूँ। और ये अगर सांस 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 में वही अटकी रहती है, अभी अभी फूल रही, अभी फूल रही, तो हो गया था काम। और इसका कह रहा था ये कान में ऐसे करती रहेगी। अब क्या हो रहा है, अब फोन से कोई साउंड आ भी रहा है कि नहीं, फिर सन्नाटे में जाएगी, सन्नाटे में जाकर सुनेगी कोई साउंड आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद हल्की सी आवाज़ में पापा, और इनके पापा तो माशाल्लाह, इनके पापा क्या कहने, वो तो मैं थी, मैं चाय खत्म कर लूं अपनी। इनके पापा तो माशाल्लाह, इनके पापा अगर उस टाइम ये उठा देती ना, हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा, रुक जो देख रहे टॉर्च और दुनिया भर की शुरू हो जाती है, कोई आराम है और चिपका लेते हैं, दुनिया भर का शुरू हो जाता है इनका। तो मैंने कहा अभी देख लू, इतनी प्रॉब्लम है भी कि ये लोग दोस्ती में ये लोग एक दूसरे को टकराने लगेंगे घबरा के, या ये घबराएंगे पापा पापा पापा, और पापा वहां घबराएंगे अरे बेटा बेटा बेटा, और शुरू हो जाएगा ये क्या हो रहा है, बड़ी हो रही है, मैं छोटी हो जा रही हूँ। एक दिन ऐसा आएगा तो मुझसे लंबी हो जाएगी, और इंशाल्लाह खूब लंबी हो जाएगी, और मैं जो ऐसे ऐसे छोटी सी हो जाऊंगी। अब इतनी लंबी भी नहीं, इतनी लंबी पता चला कि ऑटो में भी नहीं बैठ पा रही हो, और कहीं घुस भी नहीं पा रही हो, कुर्सी में भी नहीं जा पा रही हो, पूरे बता रही कहने की मैं लैंडर जितनी लंबी होना चाह रही हूँ, बस हो गया इनका। हाँ इधर मम्मा, इतनी लंबी हो जाएंगी ये। लगी क्या हाथ में? गाइस चाय पी ली, गरम गरम आराम मिल रहा है, सर एकदम सर भारी भारी हो रहा था। और हम लोगों की इंडियन इतने मतलब इतनी अच्छी हैबिट है हम लोगों की कि हम लोग चाय से हम लोग का दर्द कम हो जाता है, सर भारी हो रहा है चाय पी लें, एक मेडिसिन बन जाती है। क्या हो गया? चाय पी चाय मेडिसिन नहीं बन सकती, हाँ जहर बन जाती है। ये अपना इनका अलग ही लॉजिक चलता है हर चीज में, तो इनकी और हम लोगों की मतलब जो हम लोग नॉर्मली सोचते हैं ये उससे दूर अलग परे सोचती हैं बिल्कुल, तो इनकी मेरी वाइब मैच नहीं हो पाती है। अभी होती है तो रैबिट बना रहे हैं, ब्राउन कलर का रैबिट बना रहे हैं, आधा है रैबिट बनाया अभी, तो पूरा बनाएंगे हैदर रैबिट। तो गाइज सर्दी देकर बुखार आया, और किसको आया वो मैंने आपको बताया कि जो है पापा को आया, और ये देखिए ये किसने बताया आपको सितंबर बीमारियों का महीना, तो एक नई बात सुनने को मिली है सितंबर आया बीमारियों का महीना। हम लोग इतना अच्छे अच्छे महीने सोचते ये महीना इतना अच्छा, ये ठंडा होगा, ये होगा, वो होगा, ये आ गया सितंबर बीमारियों का महीना। देखिए इनका नया इनका ऐसा नहीं है, मौसम जब बदलता है तब बीमार पड़ते हैं, सर्दी से गर्मी की ओर जाते हैं तब बीमार पड़ते हैं, गर्मी से सर्दी की ओर। लेकिन अब तो मौसम को समझ में नहीं आता है, सुबह सर्दी हो रही है, शाम को गर्मी हो रही है, दोपहर बरसात हो रही है, तो मौसम का कुछ भी पता नहीं चलता है। मौसम की वजह से पानी इतना गिरा कि जोर से पापा ने आज पौधे सही करे हैं, काफी पौधे खराब हो चुके हैं बारिश की वजह से, जो उन्होंने आज सही किए हुए हैं, और अब सही हो जाएंगे क्योंकि जोया पापा इन सब मामलों में बहुत ज्यादा होशियार हैं। उनको गार्डनिंग का बहुत ज्यादा शौक है और वो बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं, तो उसमें से उन्होंने पौधे भी बनाए। जैसे पत्थर चट्टा का एक था वो मैंने जिया को आज दे दिया है, छोटी वाली बहन को, बीच वाली को, और वो ले गई है, एक तैयार कर रहे हैं हैदराबाद वाली बहन, उनको वो ले जाए और वो लगा दे सही से, हैदराबाद चला जाएगा रह लेगा, वो कुल्लड़ में है जब तक ट्रेन में बैठेंगी, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। अब भेजेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि पत्थर जट्टा पथरी के बहुत काम आता है, कभी इसको मैं बताऊंगी आपको विस्तार से इसके बारे में। लेकिन अभी तो फिलहाल मैं जा रही हूँ कमरे में, लेटूंगी, आज लेट हो गई थी बहुत ज्यादा क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी काम करने की, मन नहीं हो रहा था, दो तीन दिन जो इतना अच्छा फुर्तीलापन था वो आज डाउन हो गई मैं फिर से, और आज मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो अभी तो मैं लेटूंगी, और लेटने से पहले क्या करना है, अभी तो बहुत सारे काम है, अभी तो चादर ला के आई, इन लोगों को तो चादर दिखती नहीं है, पीछे मुड़ के देखी उन्होंने, चादर इन लोगों को दिखती नहीं है, और अभी मैं ला के आई हूँ और इन्होंने खराब भी कर दी, मैंने नहीं करा, मैं पापा से भेजी थी, चादर इन लोगों को दिखती भी नहीं है, खराब हो रही है चादर, पूरी भुजल के पूरा गद्दा गद्दा दिखे, और चादर से इतनी सी सिमटी दिखे, तो अभी नो फर्क नहीं पड़ेगा, ये लोग लेटे रहेंगे तो
हाँ तो अभी मैं उसको सही कर दूंगी, चादर लगा के आई हूँ। उसके बाद मुझे कपड़े उठाना है, बाहर टंगे हुए हैं कपड़े, सब जगह अच्छे से फैलाऊंगी जो गीले होंगे और रात को पंखे में सूख जाएंगे। उसके बाद सारे जो कम्बल है वो सब कमरे में लाना है, तो इतनी आसानी से नहीं लेट रही हूँ। फिलहाल काम बहुत है, सुगाई आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय 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 बाय।